भाई बहुत ही अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज की ऑडियंस और मैं। अच्छा मैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे होस्ट हैं और सेट बहुत अच्छा है। जेन्युइनली करें भाई, ऐसा फीलिंग नहीं आ रही इसमें। सेट बहुत अच्छा, हमें भी सच बताया ऐसा लग रहा है आपने सारे पैसे सेट पे लगा दिए। इतने पैसे सेट पे लगा दिए, गेस्ट बुला, अच्छे गेस्ट बुलाने के पैसे नहीं बचे। मुझे अपने घर जाना। देखो यार, इधर उधर की बातें किए बगैर सीधे पॉइंट पे आते हैं, और पॉइंट क्या है, आज हम बात करने वाले हैं उस बंदे के ऊपर जो अपने शो में गेस्ट को बुलाकर उनकी कुत्ते वाली करता है। आज हम देखेंगे कि इसने कैसे उस बिचारी को अपने शो में बुलाया और फिर उस पर जुकते मार मार के उसको बिचारी को वापस जाने जोगे ही नहीं छोड़ा। ऐसे बंदों को गली की नुक्कड़ पे बिठाया जाता है कि अगर कोई गट साफ करने वाला बंदा आ जाए तो उसके साथ हाथ बटा सके। हमें दूसरी बार इसे साले डाल के नहीं देते और यहाँ पर ये बड़ा होश बना फिरता है। जिंदगी में जब भी कोई बुरा मकाम आया, ना ब्रेक ने साथ दिया ना गियर काम आया, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे मुझे ये बताएं, सुपरस्टिशन से बात हो रही थी, कोई रखती है? आई थिंक जब भी ट्रैवल करना होता है ना तो मेरे पैर के नीचे खुजली होती है। ऑलवेज पैर के नीचे खुजली। कभी सोचा धो लूं? Women. तो यार ये बात हंसने वाली नहीं है, ये बात नोट करने वाली है। अगर आपने अपना सारा फोकस अपने मुंह पर कर लेना है, 3-4 किलो आटा आपने अपने मुंह पर लगा लेना है और अपने पांव को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है तो फिर वहाँ पर खुजली तो होगी। अगर आप अपने मुंह के लिहाज से अपने पांव पर 1% भी फोकस कर लो तो आपको कभी खुजली नहीं होगी, और ना ही फिर आपको कोई कभी ये कहेगा कि मुंह अफ्रीकी और पांव अमरीकी। जानती हैं सीनियर एक्ट्रेस, उनको एक उनका फैन खून से खत लिखकर भेजता, खूनी खत थे। कभी ऐसा कोई फैन खत आया हो कुछ? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ उसको क्या, आपको एंट्री नहीं मिलेगी? होता है, अस्पतालों में कुछ ऐसे वार्ड्स होते हैं जहाँ कुछ ही लोग जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि पागलों वाली वार्ड, क्योंकि हॉस्पिटल में पागलों वाली वार्ड ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ मखसूस लोग जा सकते हैं, इनका ऊपर वाला पोर्शन खाली होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़की पागलों वाली वार्ड की बात नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पर भी 4-5 ऐसे लोग चले जाते हैं जो वहाँ पर इलाज कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से लड़की बात कर रही है पोल्ट्री फार्म की, क्योंकि वहाँ पर जैसी कुकड़ियां ही होती हैं, बंदा कभी कभार वहाँ पर अंदर जाता है। बहुत मजा आता है जब मेरे साथ मौजूद हो ऐसे गेस्ट जो मुझसे कम फेमस हो। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैंने इस बाजी को तो आज तक देखे ही नहीं है और तबिश ये तो बार बार मुंह के सामने आ जाता है। वक्त आ चुका, हम खेलने जा रहे हैं मी लॉर्ड। मी लॉर्ड एक ऐसा गेम है जो सिर्फ हम पढ़े लिखे गेस्ट के साथ खेलते हैं। आज हमने एक्सेप्शन देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, माना कि उसका मुंह ऐसे लग रहा है कि जैसे ताजा ताजा मैट्रिक से फेल हुई हो, लेकिन फिर भी यार इस तरह बताना नहीं चाहिए क्योंकि अगले बंदे की बिस्ती हो जाती है। फैमिली से ही है। डबल प्लग है क्या है? क्योंकि तो चीजें मुझे नहीं पता, डबल प्लग है। इंजीनियर हो यार, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ ये क्या है। मतलब यार ये ऊपर चढ़ा के लाजमी यार उससे कुछ पूछवाना था आप लोगों ने। बहुत तेज हो रहा है, अभी बहुत सारे तरीके हैं ऐसे सवाल पूछवाने के लिए। डबल प्लग कुछ नहीं होता, ये अपनी तरफ से बना लिया आपने डबल प्लग। किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने नहीं बोल देना। अच्छा। आपके सामने तो बोल लू, पढ़ा लिखा आएगा जब देख लेंगे उस वक्त की, उस वक्त देखेंगे। नहीं है डबल प्लग, नहीं है सॉकेट है नहीं है। मरी बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। Could I have said it's from the same family? मैंने कहा फैमिली एक ही है। नहीं, you didn't. रुको जरा। Flashback. Extension की फैमिली से है ये? नहीं, you didn't. Women. मैंने कहा फैमिली एक ही है। नहीं, you didn't. No. I did English में कहा था। पहल डर गई पहल। अब मजे की बात ये है कि जब आप किसी बंदे को इतना जलील करोगे तो वो भी फाइट बैक करेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पर भी ब्लैक कपड़े वाली आंटी ने सेम ये ही किया। इंडस्ट्री का गिरगिट कौन है? ताबिश हाशमी। आर यू कॉमेडी नी? 2.5 सेकंड के अंदर या जेनेरिक जवाब दिया तो आवाज आएगी। ये आप क्या कर रहे थे जब रिकॉर्ड हुआ? आप बताओ ये कैसी कैसी आवाज रिकॉर्ड हुई हुई है? तेरा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, मैं तेन पाड़ के रख देंगा, तेन मैं पुत्र फना कर देंगा, बंदे दा पुत्र बन। ऐसे लग रहा है जैसे किसी कुत्ते की पूंछ के ऊपर पाँव आ गया है। और सोचने वाली बात ये है कि ये आवाज इन्होंने रिकॉर्ड कैसे की है। माया अली अगर एक्टर मॉडल ना होती तो क्या होती?
मुझे भी देख ले, मैं भी खड़े बैठा याद नहीं करनी, मैं सोच रहा क्या बनाऊं इसको। किसी ना किसी की तो भाभी भी हो सकती है। काम कर रही होती घर में। बताता हूँ, ये एक्टर ना होती तो क्या होती, लाखों टिकटॉकर्स लड़कियों में से एक होती जो आजकल टिकटॉक पर खिजल हो रही होती। तो सही है, भी वायरल होता है, क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, उसको निदा यासर अपने शो में बुलाती है। बिल्कुल। तो तुम्हें निदा यासर ने अपने शो में नहीं बुलाया, क्या बात है यार, तुम गए नहीं, वहाँ से कॉल आई थी यार वैसे? कॉले तो यार 3-4 दफा आई थी। तुझे काले ने ही वार्निंग आई होगी, जो 3-2-1 पिल्ले करता रहता है इसे बंद कर दे, नहीं तो असल में तुझे पिल्ले बना दूंगा। बस आज के लिए इतना ही काफी है, इस वीडियो के लिए बहुत जलाऊ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छा से कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी दबाना। तो यार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।